मैथमेटिक्स में एग्जांपल 17 तक आप कर चुके थे, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति में, और एग्जांपल 17 के बाद आता है एग्जांपल नंबर 18, मैं पढ़ रहा हूं आप भी ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है बिंदुओं आर 2, 5, -3, एस -2, -3, 5 और टी 5, 3, -3 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करिए। मतलब ये तीन बिंदु हैं और इन तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण आपको पता लगाना है। देखो, तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण आपको मालूम करना है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बनाए एक्स वाई और जेड, कहीं पर भी इसमें एक समतल आप ऐसा बना लीजिए, या इसमें क्योंकि तीन बिंदु बनाने हैं समतल छोटा पड़ जाएगा ऐसे, तो हम और टाइप का समतल देख लेते हैं, कैसा भी बना लो। ये हमने एक प्लेन बना लिया और इस प्लेन पर तीन पॉइंट लेने हैं, आर लेना एक पॉइंट आपको, एक पॉइंट आपको एस लेना है, एक पॉइंट आपको टी लेना है। ये तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण आप याद करिए, इसको हमने x1 y1 z1 माना था, x2 y2 z2 x3 y3 z3। यहां से इसका जो स्थिति सदिश था वो क्या माना गया था, वेक्टर ए, इसका स्थिति सदिश वेक्टर बी, और इसका स्थिति सदिश, ये टी को ना थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं जरा, आर एस, और ये टी को यहां पर कर लेते हैं, ये टी पॉइंट, x3 y3 z3 इसके निर्देशांक थे और इसका जो स्थिति सदिश था उसको सी माना गया था, इसका पोजीशन वेक्टर था बी माना गया था। एक पॉइंट कहीं पर भी हम यहां पर पी ले सकते हैं, x, y, z, ये था x1 y1 z1, ये था x2 y2 z2, और ये था x3 y3 z3। इसमें हमने एक आरएस बनाया था, एक आरटी बनाया हुआ था, याद आया कुछ आपको? और अगर मैं आपसे पूछूं कि आरएस और आरटी ये दोनों ही कहां पर हैं, तो ऑब्वियस सा जवाब है कि दोनों समतल पर हैं। आरएस क्रॉस आरटी कहां पर पड़ेगा? आरएस क्रॉस आरटी समतल के लंबवत आ जाएगा, आरएस क्रॉस आरटी ये समतल के लंबवत हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी की दिशा ए और बी के तल के लंबवत होती है, तो ये आरएस क्रॉस आरटी आ जाएगा। अब बिंदु P का जो स्थिति सदिश होता है उसको हम वेक्टर R लेते हैं, ऐसे हमने इसको मिला दिया, ठीक है, इसको हमने मिला दिया, तो ये एक सदिश बन गया RP। अब आप खुद ध्यान से देखिए कि ये जो RP वेक्टर यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये भी प्लेन में है, और यहां पर जो आपको ये RS क्रॉस RT दिख रहा है ये समतल के लंबवत है। अब ये समतल पर है, ये समतल के लंबवत है, तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों ही अगर लंबवत हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए? तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम जीरो कर देंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, आरपी वेक्टर डॉट वेक्टर आरएस क्रॉस वेक्टर आरटी शुड बी इक्वल टू जीरो। आरपी की वैल्यू कैसी आएगी, RP, P का पोजीशन वेक्टर माइनस R का पोजीशन वेक्टर, मतलब ये आएगा वेक्टर R माइनस वेक्टर A, RS क्रॉस RT, RS कैसे निकालोगे, RS S का पोजीशन वेक्टर माइनस R का पोजीशन वेक्टर, या RS क्रॉस RT, RS कैसे निकालेंगे, S का पोजीशन वेक्टर माइनस R का पोजीशन वेक्टर, B माइनस ए क्रॉस आर टी कैसे निकालेंगे आप, T का पोजीशन वेक्टर माइनस R का पोजीशन वेक्टर, तो C माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखो फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी याद है तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है, और अगर आपको याद है तो आप फॉर्मूला बना बनाया यूज कर लीजिए। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू ये भी आई थी, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए ब्रैकेट के अंदर, आप चाहे ऐसे ही यूज कर लो नोट, बस यही फॉर्मूला बन गया इसका। अब ए बी सी कौन रहेंगे, तो आर का स्थिति सदिश ए है, एस का स्थिति सदिश बी है, टी का स्थिति सदिश
सी है, तो मैं यहाँ पर वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आएगी, वेक्टर ए यानी कि आर का पोजीशन वेक्टर, और वो होगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर बी मतलब एस का पोजीशन वेक्टर, और एस का पोजीशन वेक्टर आएगा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर सी मतलब टी का पोजीशन वेक्टर, टी का पोजीशन वेक्टर आएगा 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। अब तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का यह समीकरण आ गया, बिंदुओं, देखो ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि कभी आपको लगे कि फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है ये सब करने की, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो लगाइए आप। बिंदुओं आर एस व टी से जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण मतलब तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, यही तो अभी हमने निकाला है। वेक्टर आर माइनस ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। आर की जगह पर आर लिखेंगे, ए की जगह पर हम ए की वैल्यू लिख देंगे, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ये ब्रैकेट हो गया डॉट बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करिए, माइनस 2i माइनस 2i माइनस 4i फिर माइनस 3i माइनस माइनस 3j माइनस 5j माइनस 8j प्लस 5k माइनस माइनस 3k, तो ये बन जाएगा प्लस 8k क्रॉस सी माइनस ए लिखना है, सी माइनस ए 5i में से 2i माइनस करेंगे तो 3i, फिर 3j में 5j माइनस करेंगे तो 2j, फिर माइनस 3k में माइनस 3k माइनस कर देंगे तो वो जीरो बन जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। आप चाहें तो इसका वेक्टर प्रोडक्ट करवा दीजिए और आपका आंसर, वैसे उन्होंने तो आंसर बस ऐसे ही दे दिया है सीधे सीधे, समझ आया, और वेक्टर समीकरण ही मालूम करनी थी आपको, कार्तीय समीकरण मालूम नहीं करनी थी, ठीक है ना। तो इस तरह से तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का कार्तीय समीकरण वेक्टर समीकरण मालूम कर सकते हैं, इनके निर्देशांक आर यश टी के आप चाहें तो वो वाले लिख दीजिए जो बुक में दिए गए हैं, आर के जैसे 2 5 माइनस 3 है तो 2 5 माइनस 3, एस के हैं माइनस 2 माइनस 3 5, 5 3 माइनस 3 5 3 माइनस 3। पर ऐसे अगर आप बार बार करते हैं ना तो आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप एक दिन बैठे हैं सारे फॉर्मूलों को लेकर याद कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन करते हो हर बार फॉर्मूले को निकाल के ही कर रहे हो ना, तो ये फॉर्मूले 2-4-10 क्वेश्चन जैसे ही लगाओगे ना आपको फॉर्मूला बिल्कुल जुबान पे आ जाएगा, रट जाएगा कि कौन से सिचुएशन पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको। तो हम तो कहेंगे आप फिगर बना बना के ही करिए, ज्यादा बेटर रहता है, अच्छा रहता है, फॉर्मूले के लिए अलग से आपको घंटे 2 घंटे टाइम खर्च नहीं करना है, क्वेश्चन लगाते ही लगाते कब फॉर्मूले याद हो जाएंगे आप पता भी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये लगेगा यार हमने तो 2-4-10 क्वेश्चन लगाए बस फॉर्मूले याद हो गए मेरे को, ऐसा आप करिए थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि प्लेन बच्चे अधिकतर डिफिकल्ट मानते हैं, बट मुझे लगता है डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करने की जरूरत है बस। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद आते हैं 19 नंबर एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 19 पे लिखा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो एक्स वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंताखंड काटता है। एक समतल है, जब उसको प्लेन में रखा जाता है जाके कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो वो एक्स अक्ष पर 2 लंबाई का, वाई अक्ष पर 3 लंबाई का और जेड अक्ष पर 4 लंबाई का अंताखंड काटता है। देखो फिर से फिगर जरूर बनाओ अगर आपको लगता है कि
हम बना के दिखा सकते हैं, ये ओ ओरिजिन पॉइंट, ये मैंने एक प्लेन बना दिया, देखिए इस तरह से। ये जो प्लेन है, ये प्लेन जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रखते हैं ना, तो ये एक्स अक्ष पर दो लंबाई का अंतःखंड काटता है, एक्स अक्ष पर दो लंबाई का अंतःखंड काटता है। क्या बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 2, 0, 0। वाई अक्ष पर तीन लंबाई का अंतःखंड काटता है, ये डिस्टेंस 3 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 3, 0। और जेड अक्ष पर चार लंबाई का अंतःखंड काटता है, तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस 4 होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, 4। अब एक ऐसे समतल का समीकरण हमको पता लगाना है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर 2, 3 और 4, क्रमशः 2, 3 और 4 लंबाई का अंतःखंड काटता है। क्या फॉर्मूला याद करिए बताया गया था इसके लिए, तो बड़ा बहुत ही ज्यादा निहायत सीधा सा सूत्र था इसका, जो हमने अंतःखंड रूप में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के लिए। तो समतल का अंतःखंड रूप है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं, वहां समतल है एग्जामिनेशन में, वहां पर कंपटीशन में, तो ये सब चीजें याद रखिए भैया। एक ही जगह पर यहां पर क्या है, एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ए से लिखा जाएगा ना 2, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बी से लिखा जाएगा 3, और जेड अक्ष पर समतल के द्वारा काटा गया अंतःखंड सी से लिखा जाएगा दैट इज 4। सो एक्स अपॉन 2, वाई अपॉन 3 एंड जेड अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो यहीं से छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। क्या चाहेंगे आप, कर ले कैलकुलेशन, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 से गुणा करेंगे तो ये 6x, ये 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। ये आ गया समतल का समीकरण। जो समतल एक्स वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 लंबाई का अंतःखंड काटता था, यह उसका समीकरण है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये हमने कर लिया, 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। बउआ हो आप ऐसा करो, आप इसको नोट कर लो पहले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जगह थोड़ी सी चाहिए, और इतनी सी जगह में बनेगा नहीं तो फिर छोटा छोटा लिखने में कोई फायदा नहीं है। आप प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 20 हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है समतलों वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6, और वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू -5। के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1, 1, 1 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करिए। अब देखिए आपको दो समतल दिए गए, एक ये समतल है एक ये समतल है, और एक ये पॉइंट भी दिया गया है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन, दो समतलों का प्रतिच्छेदन जब होगा तो क्या मिलेगा? रेखा। तो इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण आपको चाहिए, और वो समतल में एक खास गुण और होना चाहिए कि उस समतल को इस पॉइंट से भी पास होना चाहिए, गुजरना चाहिए इस पॉइंट से भी। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसी प्लेन की इक्वेशन आपको चाहिए, इसका भी बताया है हमने। अब आप याद करें, थोड़ा सा अगर ध्यान आ जाएगा, ऐसे उसके लिए एक फिगर बनाया गया था, दो प्लेन इस तरह से बनाए गए थे, एक ये समतल है, एक समतल ऐसा है इस तरीके से। ये दो समतल लग रहा है थोड़ा सा कि एक दूसरे को काट रहे हैं कहीं पर, और ये दो समतल एक दूसरे को जहां पर भी काट रहे हैं ना, वहां पर ये एक हमको मिल गई प्रतिच्छेदन रेखा। तो ये है प्लेन नंबर 1, ये एक प्लेन है,
और ये वाला भी एक प्लेन है। तो ये क्या चीज है? ये दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा है। दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा। पहले वाले समतल की इक्वेशन है वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6। दूसरे वाले समतल की समीकरण आपको दी गई है वेक्टर आर डॉट टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू -5। ये दो समतल बना लिए और जब दोनों समतल एक दूसरे को काटते हैं तो यहां पर एक प्रतिच्छेदन रेखा मुझे मिलती है। हमको क्या करना है, हमें इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से भी एक प्लेन गुजरता है, एक तीसरा प्लेन और भी है जिनकी प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरता है, उसको हम ऐसा बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये वो हमने प्लेन बना लिया। जो दिए गए दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरता है, ये देखिए बेटा वो प्लेन है। कुछ एहसास हो रहा है आपको कि ये दो प्लेन दिए गए हैं और ये वो तीसरा प्लेन है जो इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से पास होता है। और ये सिर्फ इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से ही पास नहीं होता, बल्कि इस समतल पर एक पॉइंट भी है, दैट इज 1, 1, 1। इस समतल पर एक पॉइंट भी लोकेटेड है 1, 1, 1। ऐसे समतल का समीकरण चाहिए। ये वाला जो प्लेन है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्लेन। तो जहां भी आपसे पॉसिबल हो फिगर जरूर बनाए, जैसा कि आप क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन पे करते थे। ये बहुत अच्छा है, ऐसा करने से टीचर पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट आप डाल सकते हैं। ओके, अब तरीका तो आपको याद होगा कि अगर दो समतल हमारे पास हैं वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन डॉट डी वन, वेक्टर आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन और दूसरा वेक्टर आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू, तो ऐसे सिचुएशन पर उनकी प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? यहां पर हम लिखेंगे दिए गए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। मैं पहले फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। इसमें फॉर्मूला आया था आर डॉट वेक्टर एन वन प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। याद आया कुछ आपको? ये फॉर्मूला होता है। यहां पर एन वन क्या है, ये है, एन टू ये है, डी वन 6 है, डी टू कितना है -5 है। समझ में आ रहा है? अब रख दीजिए therefore वेक्टर r डॉट एन वन की जगह पर लिखेंगे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर n2 टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। डी वन की जगह 6 है, डी टू में लैम्डा का गुणा करिए, इसके साथ प्लस कर दीजिए, -5 लैम्डा आ जाएगा ये। अब बताओ क्या यहां तक आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके बाद हमने करना ये है, थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखिएगा, वेक्टर आर डॉट आई वाले टर्म एक जगह कर लो, जे वाले एक जगह, के वाले एक जगह। अगर आई कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? यहां तो 1 मिलेगा, यहां क्या मिलेगा? 2 लैम्डा। तो यह आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा, ठीक। आई कैप प्लस जे वाले एक जगह पर करो,
यहां से j कॉमन लिया तो 1 आएगा, यहां से j ले लिया तो प्लस 3 के साथ लैम्डा आ जाएगा। j कैप k वाले एक जगह, यहां से k कॉमन लेंगे तो 1 और यहां पर k कॉमन लेंगे तो 4 लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। आप जानते हैं यही है हमारा अभीष्ट समतल, समतल का अभीष्ट समीकरण यही है। बट इस समीकरण में एक छोटी सी प्रॉब्लम बस ये है कि लैम्डा अभी आ रहा है, ये पता लग जाए ना किसी तरह से तो हमारा, हम इसमें रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो हम कर ये लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक, क्योंकि सबसे आखिरी में इसी में आके हम वैल्यू अप्लाई करेंगे। फिर समतल का अभीष्ट समीकरण तो यही है, ठीक है ना, पर लैम्डा मालूम हो जाए बस, ये हमारी थोड़ी सी इच्छा है। अब कैसे मालूम होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, सवाल ने आपको जो दो चीजें बताई हैं, एक चीज तो बताई है कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से समतल को जाना चाहिए, और दूसरा ये बताया है कि उस समतल पर ये बिंदु भी स्थित होना चाहिए। अभी आपने जो समतल निकाला उसमें सिर्फ एक क्वालिटी आपने भरी है बस, और वो ये कि दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण आप निकाला है। अभी आपने ये नहीं निकाला कि इस बिंदु से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं, अभी केवल इस समतल का समीकरण आ गया है पर उसमें लैम्डा अननोन है, पर अभी वो वाली प्रॉपर्टी की अगर इस पे पॉइंट ये वाला स्थित है तो क्या होना चाहिए इसका भी जिक्र नहीं हुआ। अब हम करेंगे, देखो ये जो समतल एक है ये उस रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आया। अब वो जो रिक्वायर्ड प्लेन है हमारा वो बिंदु 1, 1, 1 से गुजरता है, जैसे स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है तो वो बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करता है, ऐसे यहां पर भी अगर कोई प्लेन किसी बिंदु से गुजरता है तो वो बिंदु उस प्लेन को अवश्य संतुष्ट करेगा। तो ये जो समतल एक आया ये रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है, और ये वाला प्लेन इस बिंदु से गुजरता है इसलिए ये वाला बिंदु इस रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई अवश्य करेगा। तो करवा दीजिए, यहां लिख देते हैं क्योंकि यह समतल एक, समतल नंबर एक है ना, यह समतल एक बिंदु 1, 1, 1 से गुजरता है, यह समतल एक बिंदु 1, 1, 1 से गुजरता है इसलिए यह बिंदु 1, 1, 1 समतल एक को अवश्य संतुष्ट करेगा, अवश्य संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब आप बताइए अगर हमें 1, 1, 1 से समतल को संतुष्ट कराना है तो क्या करना चाहिए, आपका भी सिंपल सा जवाब होगा कि एक्स वाई जेड की जगह एक 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 लिख दो। एक्स वाई जेड आपके इसमें कहां मिलेंगे, आपको आर में मिलेंगे, मिलेंगे, इसलिए वेक्टर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1i कैप + 1j कैप + 1k कैप। भाई एक्स वाई जेड आर में ही तो मिलते हैं आपके, और आर का एक्स वाई जेड का मान एक 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 है, तो जब r वेक्टर निकालेंगे xi कैप + yj कैप + zk कैप तो वो 1i कैप + 1j कैप + 1k कैप मिल जाएगा। ये r की वैल्यू यहां लिख दें, इसलिए समीकरण एक से r की जगह पर हम ये लिख देंगे i कैप + j कैप + k कैप डॉट, और ये है 1 + 2 λ i कैप + 1 + 3 λ j कैप, और आगे है 1 + 4 λ k कैप, और बराबर के उस तरफ है 6 - 5 λ। अब ध्यान से देखो ये एक वेक्टर है और इस ब्रैकेट के अंदर भी तो बउआ एक वेक्टर लिखा है ai कैप + bj कैप + ck कैप टाइप का, उसको इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट आपको करवाना है। डॉट प्रोडक्ट का तरीका मालूम होगा, आई के गुणांक को आई के गुणांक से, जे के गुणांक को जे के गुणांक से, और के गुणांक को के गुणांक से करते हैं। आई का गुणांक यहां क्या है, 1,
और यहां आई का गुणांक 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 को 1 प्लस 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 को 1 प्लस 3 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 को 1 प्लस 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 4 लैम्डा, बराबर की उस तरफ जो है वो लिखना पड़ेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ये कितने हो गए, 9 लैम्डा हुए, 2, 3, 5, 4, 9, और वो 5 लैम्डा जरा के इसमें जुड़ जाएगा तो 9 और 5 14 लैम्डा हो गए। बाकी 1, 1, 2, 1, 3, ये 3 उधर जाके 6 में माइनस हो गया, 3 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/14। ये लैम्डा को निकालने का तरीका और लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि समतल का अभीष्ट समीकरण तो यही है, बस लैम्डा पता लग जाए, तो अब तो पता लग गया तो अब निकाल लो, लैम्डा का मान इसमें रख दो। इसलिए समीकरण एक से, समीकरण एक से समतल का अभीष्ट समीकरण, समीकरण एक से समतल का अभीष्ट समीकरण वेक्टर आर डॉट, थोड़ा देखिए यहां पर लैम्डा की जगह 3/14 लिखना है तो 1 प्लस 6/14 आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, 3 का लैम्डा से गुणा करेंगे ये 9/14 जे कैप, 1 प्लस 4 लैम्डा तो 4 लैम्डा, 4 3 12 अपॉन 14 के कैप इज इक्वल टू 6, 5 इंटू लैम्डा करेंगे तो ये आ जाएगा 15/14। सॉल्व कर लीजिए, वेक्टर आर डॉट 14 एकम 14 6 20, 20/14 का मतलब 5/7 नहीं यार, 10/7 10/7 आई कैप, और ये क्या बन जाएगा 14 एकम 14 9 23/14 जे कैप प्लस, ये पहली काट दो, 2 6 12 2 7 14 7 6 13/7 के कैप इज इक्वल टू, यहाँ 14 6 84 में से 15 माइनस करो, 84 में से 10 माइनस हुआ 74, 74 में 5 और माइनस कर दो 69, ये आ जाएगा 69/14। बस ये आंसर आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा अगर कुछ कर सकते हो तो पूरी इक्वेशन को 14 से फिर बाद में आप गुणा करवा सकते हो, तो 14 का अगर यहां गुणा करवाएंगे तो 7 × 14 = 10 × 20, ये इक्वेशन कन्वर्ट होके बन जाएगी आर डॉट 20 आई कैप, 14 का यहां गुणा कराएंगे 23 जे कैप, 14 से यहां गुणा करवाएंगे 26 के कैप। बउआ ये चीज समझ आ रही ना आपको, भाई 14 गुणा करवाओगे 7 × 14 = 13 × 26 के कैप, यहां 14 का गुणा करवा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट 69 बच जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा इस अभीष्ट समतल का समीकरण निकल करके आ गया। नहीं समझ में आया तो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, एक चीज अगर उसमें आप ध्यान दीजिएगा तो ये पाएंगे कि ये जो बिंदु दिया गया है ना आपको, बिंदु जो दिया गया इसका काम बस इतना है कि ये आएगा आर की जगह रखा जाएगा और ये लैम्डा निकलवाएगा और इसका कोई काम नहीं है। समझ में आया, तो पॉइंट की जरूरत हमें पड़ेगी लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, पॉइंट नहीं होगा तो और कोई शर्त दी जाएगी उस पर, लैम्डा तो निकालना पड़ेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको। अब ये बताएं ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो फिगर भी बना हुआ है, क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व है अच्छे से, आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और इसी तरीके से आप करिए, हम तो चाहेंगे ऐसे ही आप सॉल्व करिए। इसके बाद ये कौन सा है 21 नंबर आप नोट कर लीजिए, फिर 21 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 पे लिखा है दर्शाइए कि रेखाएं x+3/-3 = y-1/1 = z-5/5 तथा
एक्स प्लस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन टू इज इक्वल टू जेड माइनस वाई अपॉन फाइव सहतलीय है, दो रेखाएं सहतलीय हैं, ये आपको शो करना है कि ये दो लाइनें अगर सहतलीय हैं तो आपको मतलब दर्शाना है, दिखाइए कि देखो है सहतलीय हैं, एक ही प्लेन में पड़ती हैं, को प्लेनर हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, वैसे आपको कार्तीय भी बताया गया है, आपको वेक्टर भी बताया गया तरीका, क्या आप इससे मुझे रेखा का वेक्टर स्वरूप बना के बता सकते हैं? याद है आपको रेखा का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। देखो जब समतल पढ़ना शुरू किया जाता है ना तो बच्चों को रेखा की बातें भूल जाती हैं सब, उनको केवल समतल याद रह जाता है, पर भूलना नहीं है आपको। रेखा की इक्वेशन क्या होती थी? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, क्योंकि करीब करीब एक है जैसे लगते रहते ना देखने में, तो ऐसा लगता है कि सब मिक्स हो गया। समतल की समीकरण में देखो क्या है, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। देखो ये डिफरेंस है, देख लो एक रेखा और एक समतल मैंने आजू बाजू लिख दिए हैं, ऊपर नीचे लिख दिए हैं, आप देख लीजिए कि रेखा और समतल के समीकरणों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिए कि रेखा और समतल, जब समतल हल किया जाता है तो ये मैं महसूस करता हूं कि जब समतल सॉल्व करना शुरू करते हैं तो बच्चे रेखा भूलना शुरू करते हैं, और जब रेखा सॉल्व कर रहे होते तब तो समतल की कोई बात ही नहीं हो रही होती है। पर याद रखिए ऐसा, जिसमें से फिर से याद मैं दिलाऊं, जिसमें से बिंदु ए उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, और ये वो सदिश है जिसके समांतर होती है हमारी रेखा, समझ आ रहे आपको? तो अगर यहां से मैं बोलूंगा कि इसका वेक्टर फॉर्म बताइए तो आप क्या बताएंगे? निकाल के बताइए वेक्टर फॉर्म। वेक्टर आर इज इक्वल टू, ऊपर से मिलेंगे वेक्टर ए के, आपको वेक्टर ए की वैल्यू, तो माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस लैम्डा, वेक्टर बी की जगह पर क्या आएगा? माइनस थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फाइव के कैप। याद आया कुछ आपको? ऐसे इसका अगर वेक्टर फॉर्म कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे? आप बताएंगे माइनस आई कैप, क्योंकि यहां प्लस है ना, तुलना करेंगे तो एक्स वन बराबर माइनस वन मिलेगा आपको, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस म्यू, और वेक्टर बी की जगह पर आएगा माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। तो ये हमने पहली रेखा का वेक्टर स्वरूप बना लिया, ये हमने दूसरी रेखा का वेक्टर स्वरूप बना लिया। कार्तीय समीकरण भी है, वेक्टर समीकरण भी है, जो अच्छा लगे उससे आप करिए, जो आपको लगे कि इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम हटाए दे रहे हैं, समझ गए हैं आप? एक छोटा सा फिगर और कोशिश करिए समझने की कि क्या हुआ था, क्या शर्त आई थी। दो रेखाएं अगर आपस में समांतर हैं तो उनकी क्या कंडीशन, सहतलीय हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है? ये एक प्लेन मैंने बनाया, इस प्लेन पर ये एक लाइन हमने बना दी, ये एक लाइन ऐसे बना लो थोड़ा सा, ऐसे। ये लाइन नंबर वन है, ये लाइन नंबर वन है, किसी बिंदु से होकर जाती है, उसका निर्देशांक है माइनस थ्री वन फाइव, माइनस थ्री वन फाइव, ठीक है। और एक ये जो सदिश है माइनस माइनस थ्री वन फाइव, माइनस थ्री वन फाइव, और एक ये सदिश है इसके समांतर है, ठीक, ये सदिश है इसके समांतर है। तो ये वो सदिश हमने बना लिया जिसके समांतर है। आपको बताया गया था कि ये वेक्टर B1 मानेंगे हम, इस वेक्टर को वेक्टर B1,
और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री आई प्लस जे, चलो ठीक है बाद में हम उसको कर लेंगे। एक दूसरी रेखा ये वाली है, ये इस बिंदु से होकर के जाती है, कैसी भी बना लो ऐसी चली गई ये लाइन, ये लाइन नंबर टू, ये भी एक दूसरे वेक्टर के समांतर है, ये इस वेक्टर के समांतर है, ये हमने बना लिया वेक्टर बी टू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये रेखा है इस बिंदु से होकर जाती है इसके समांतर है, ये वाली रेखा इस बिंदु से होकर जाती है इसके समांतर है, ठीक है ना। यहां पर बिंदु ए, ये भी एक बिंदु यहां पर बनाया जाएगा, ये है बिंदु बी जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस वन टू फाइव, माइनस वन टू फाइव। अब अगर मैं बी वन क्रॉस बी टू पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे, ये बी वन क्रॉस बी टू की डायरेक्शन है जो कि समतल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई रहेगी, बी वन क्रॉस बी टू की वैल्यू, ठीक है। अगर यहां से हम ए से बी को मिला दें तो ये क्या बन गया, वेक्टर ए बी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बी वन क्रॉस बी टू कैसा है, समतल के लंबवत है, ए बी कहां पर है, समतल पर है, इसलिए ए बी और बी वन क्रॉस बी टू परस्पर लंबवत हो गए कि नहीं हो गए। अगर ए बी और बी वन क्रॉस बी टू परस्पर लंबवत हो गए तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, वेक्टर ए बी डॉट बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल टू जीरो, समझ में आया। तो अगर वेक्टर ए बी और बी वन क्रॉस बी टू का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ जाए ना तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, समतलीय हैं। ए बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। यहां पर इससे आपको मिलेगा, देखो बी का पोजीशन वेक्टर ये है, ए का पोजीशन वेक्टर ये है। जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो इसको माना गया था वेक्टर ए टू और इसको माना गया था वेक्टर ए वन, याद करिए, थोड़ा थोड़ा जरूर ध्यान करिए, ये सब कोशिश करिए इसको लाने की। अब ए बी अगर निकालना है तो ए टू माइनस ए वन करना रहेगा आपको, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, ये इक्वेशन तैयार हुई। ये वो शर्त है कि अगर ये शर्त फुलफिल हो जाती है, लेफ्ट राइट के बराबर आ जाता है, इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों लाइनें परस्पर सहतलीय हैं। अब ये आप वेक्टर से भी जा सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म से भी आप जा सकते हो। जैसे मानो ए टू ए वन कैसे मिलेगा, ये ए टू है ये ए वन है, वेक्टर से निकाल लो। अगर आप चाहो कार्टेशियन तो कार्टेशियन से भी हम आपको निकाल के दिखा सकते हैं। कार्टेशियन में इसका फॉर्मूला क्या था, मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा आपको। कार्टेशियन में इसका फॉर्मूला था एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। इसकी जगह पर ये आ जाएगा, फिर बी वन के कोएफिशिएंट आपको लेने पड़ेंगे, तो ए वन बी वन सी वन फिर ए टू बी टू सी टू शुड बी इक्वल टू जीरो। अब आपके पास वेक्टर स्वरूप से भी आप जा सकते हैं, कार्टेशियन वाले मेथड से भी आप जा सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि हम कौन सा मेथड यूज करें। अब देखो इतनी देर में हमने कंडीशन तक निकाल के आपको दिखा दिया, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि आप अंदर से फील करके देखें उसको, तो चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। कैसे पता, कैसे करना चाहेंगे आप, वेक्टर से जैसा आप बताओ कि कार्टेशियन से, आप बोल दो एक बार बस मैं वही करना शुरू कर दूं। कार्टेशियन से बच्चे जाना चाहते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, ऊपर आपको एक्स वन वाई वन जेड वन, देखो एक्स वन आपको क्या मिला माइनस थ्री, वाई वन आपको मिला प्लस वन, और जेड वन आपको क्या मिलेगा फाइव। नीचे जो है ये आपको मिलेंगे ए वन माइनस थ्री, बी वन वन और सी वन फाइव।
ये पहली रेखा के लिए है। ऐसे ही दूसरी रेखा से जब आप निकालोगे तो आपको x x1 मिलेगा, नहीं सॉरी वो x1 y1 z1 तो ये x2, x2 मिलेगा माइनस वन, y2 कितना आएगा बेटा, y2 2 आएगा, z2 5 आएगा, a2 की वैल्यू माइनस वन, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 5। अरे यहां से x1 y1 z1, a1 b1 c1, x2 y2 z2, a2 b2 c2, और उनका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था उस पर सोचिए, लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस एक्स वन होता था, तो माइनस एक्स वन बराबर तीन, तो एक्स वन बराबर माइनस तीन नहीं आ जाएगा। हाँ यही तो आपको ध्यान रखना चाहिए सारी चीजें। चलो x2 टू माइनस एक्स वन करो, माइनस वन माइनस माइनस थ्री, माइनस वन माइनस माइनस थ्री क्या बन जाएगा, प्लस टू। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व या करो, चलो फिर y2 टू माइनस वाई वन, टू माइनस वन क्या आएगा वन, z2 टू माइनस जेड वन, पांच माइनस पांच क्या होगा जीरो, ए वन बी वन सी वन, माइनस तीन एक पांच, माइनस तीन एक पांच, और ए टू बी टू सी टू, माइनस एक दो पांच, माइनस एक दो पांच इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करिए आप, सारणिक है तो आर वन के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, इस लाइन में एक जीरो है ठीक, आर वन के सापेक्ष प्रसार करो तो पहला क्या मिलेगा टू, ये और ये ढक जाएगा, फाइव माइनस टेन, फिर अगला एलिमेंट है माइनस वन लिखेंगे, ये और ये ढक जाएगा माइनस पंद्रह, माइनस माइनस पांच, माइनस पंद्रह प्लस पांच बराबर जीरो, ये क्या आएगा माइनस पांच, माइनस पांच का गुणा दो से करोगे कितना बना माइनस दस, ये क्या बचा माइनस का दस, माइनस दस का गुणा माइनस एक से करोगे प्लस दस, ये भी जीरो, माइनस दस प्लस दस कैंसिल, जीरो इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः दी गई दोनों रेखाएं परस्पर समतलीय हैं। नहीं समझ में आई बात आपको, आ गया हाँ, तो थोड़ा सा बहुत सोच समझ के ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, 21 नंबर, 22 नंबर में बउआ जो दिया है सवाल, उसमें दो समतलों के बीच का कोण निकालना है आपको, और दो समतलों के बीच के कोण का तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। 22 से आए 23 पे, 23 पे भी दो समतलों के बीच का कोण पूछा जा रहा है, 23 के बाद 24 नंबर आया, और 24 नंबर में एक बिंदु की समतल से दूरी पूछी जा रही है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम वो करते हैं। 24 नंबर बीच के कौन कौन से क्वेश्चन अब हम छोड़ देंगे, 22 और 23, क्योंकि 22 और 23 दोनों ही क्वेश्चन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, या मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, एंगल पर डिपेंड है, और एंगल वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम छोड़ देंगे उनको, आप सीधे 24 करेंगे। आप नोट करिए जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 24, बिंदु 2, 5 माइनस 3 की समतल आर डॉट 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 4 से दूरी ज्ञात करिए। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, कोई भी एक प्लेन यहां पर हम बना लेते हैं, ये हमने एक प्लेन बना लिया, और यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है, जो पॉइंट हमको दिया गया है मान लेते हैं वो ये पॉइंट है 2, 5, -3। अब इस पॉइंट और ये एक समतल दिया गया है, तो ये है वो प्लेन जो हमको दिया गया है, इसकी इक्वेशन दी जा रही है आर डॉट सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपको करना ये है समतल से इस बिंदु की दूरी पता लगानी है, तो हम एक काम करेंगे, इस बिंदु से समतल पर एक लंब डाल देंगे, ये हमने बिंदु से समतल पर एक लंब डाल दिया, देखो
ठीक है ना, ये प्लेन है और उस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दिया, और यही लेंथ आपको मालूम करनी है। इसको आप चाहें तो आप डी मान सकते हैं, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई का एक सूत्र बताया गया था, बिंदु बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई कैपिटल डी, इसका फॉर्मूला आया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, ये फॉर्मूला था, याद आया आपको। ए क्या चीज है, ए है उस बिंदु का स्थिति सदिश जिस बिंदु से समतल पर हमने लंब डाला है, तो बताओ वो बिंदु तो ये वाला है और उस बिंदु का स्थिति सदिश ही वेक्टर ए कहलाएगा, तो ये है चित्र में वेक्टर ए। तो क्या आप बता सकते हैं वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ये वेक्टर ए है। एन और डी कहां से मिलेंगे, समतल में जाइए, समतल में मिलेंगे, आपने इसकी इक्वेशन पढ़ी है समतल की। अब इसमें बताइए वेक्टर एन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और डी की वैल्यू क्या है 4। बस इसको यहां रख देना है, ए डॉट एन निकाल लीजिए पहले। अच्छा आप ए और एन का डॉट प्रोडक्ट हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा, 6 × 2 = 12 माइनस 15 माइनस 6 तो कितना आया, माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21 में 12 चले गए माइनस 9। अच्छा अब साथ ही साथ ए डॉट एन माइनस डी भी कर लो, ए डॉट एन की वैल्यू है माइनस 9 और डी की वैल्यू आपकी है कितनी है 4, इसी को तो डी होता है, ये आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, तो ये कितना आ गया माइनस 13। अब हम डी इज इक्वल टू सूत्र लगा दो, मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एन। देखो ए डॉट एन माइनस डी, ए डॉट एन माइनस डी का मान कितना है माइनस 13, तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस 13। एन का मापांक निकाल लीजिए, एन ये वेक्टर है, इसका मापांक, मापांक किसी वेक्टर का अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, 36, 9, 45 और 4, 49। 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, लेकिन अंडर रूट हट जाएगा, जब वर्गमूल निकाल चुके तो फिर अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा 49 का वर्गमूल प्लस माइनस 7 आएगा, पर हमको यहां प्लस लिखना है, क्यों, क्योंकि हम मॉड्यूलस केवल यूज कर रहे हैं उसका, ऊपर का भी ये क्या हो जाएगा 13 अपॉन 7 यूनिट। तो इस समतल से इस बिंदु तक की जो दूरी होगी वो होगी 13 अपॉन 7 यूनिट। कोण वाले क्वेश्चन हमें नहीं लगाने हैं 2022 के लिए, इसलिए उनको हमने छोड़ दिए हैं और एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए। जब आप नेक्स्ट क्लास में मिलोगे तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज 11.3, एंड आई होप कि एग्जाम्पल सारे आपको समझ में आए हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, मैथमेटिक्स में चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।